We are welcome you at Kanchanjunga top altitude 17,850 फीट। कैसी है अपनी फैमिली? होप कि सब बढ़िया होंगे। वैसे कल रात 8:30-9 बजे हम लोग पहुंच चुके थे पेंगोंग, और चांगला से पेंगोंग का रास्ता ऑलमोस्ट हमने 70 किलोमीटर्स ऑफ रोड किया होगा, और उसके बाद पहुंचे थे। तो कल कुछ भी हिम्मत नहीं थी, कुछ बोलने की या चलने की फिरने की कुछ भी हिम्मत नहीं थी। और अब यहाँ का नज़ारा देखो, तो जय भैया कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आगे चल के कुछ और ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, इससे भी बढ़िया वाले। और ये है हमारा होम स्टे, और अभी भी बोलने में थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है। चलिए आपको होम स्टे की टूर करवाता हूँ। तो ये आ गया मेन हॉल, यहाँ पर है डाइनिंग एरिया, ये पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये है चिमनी, इसमें यहाँ पर कोयला जलाया जाता है और ये पाइप से एग्जॉस्ट ऊपर निकल जाता है और पूरा ही रूम गर्म रहता है। ये एक रूम, यहाँ पर थे ललित भाई और जय भैया, पूरा का पूरा लगेज बिखरा पड़ा है। ललित का तो ड्रोन भी ऐसे ही पड़ा है। अब जो कमरे में मैं था वो दिखाता हूँ। इस कमरे में थे मैं और पार्थ, और यहाँ पर विंडो से देखो क्या नज़ारा दिखता है, व्हाट अ लवली व्यू। तो चलिए गाइस बाकी बातें करते हैं बाइक पे, क्योंकि अब हमें हो रहा है लेट, तो निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि आज हमें जाना है यहाँ से आनले। तो चलिए मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर ले के हरि का नाम। जय माता दी, गणपति बापा मोरिया, हर हर महादेव। सो गाइज, हमारी ये जो लेफ्ट साइड में जितना भी पानी दिख रहा है वो सारा का सारा पेंगोंग लेक है, और उसका एरिया ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स का है, जिसमें से 40% जाता है चाइना में और बाकी का 60% रह जाता है अपने इंडिया में। तो 70 किलोमीटर्स का लेक यानी कितना ही बड़ा, आप समझ सकते हो। और यहाँ से व्यू देखो, व्हाट अ लवली नज़ारा। जी तो करता है कि यहाँ पर बैठ के इस नज़ारे को देखता रहूँ, लेकिन फिर मंजिल बुरा मान जाएगी। तो चलिए रास्तों का मज़ा भी लेते हैं और मंजिल तक पहुँचते भी है, हमें दोनों को बैलेंस रखना है। और आज का रोड का प्रिडिक्शन कुछ ऐसा है कि आज भी हमें अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, या फिर कोई दूसरा रास्ता है, अगर वो ओपन रहा तो फिर थोड़ी कम होगी, लेकिन ऑफ रोडिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यही तो मज़ा है इस वाली राइड का, यहाँ पर आपको अच्छी वाली रोड्स, एडवेंचरस रोड और हर टाइप के नज़ारे देखने को मिलते हैं गाइज, इसीलिए तो हम सब पागल हैं यहाँ आने के लिए।
और गाइज ये लेक के पानी का कलर देखो, पूरा का पूरा ब्लू, मतलब कितना बढ़िया दिख रहा है। शायद कैमरा जस्टिफाई कर रहा हो। और एक बात कि ये जो लेक है पेंगोंग लेक, इसका पानी खारा है, यानी कि सॉल्टेड वाटर, या फिर कह सकते हो सॉल्ट वाटर। सो दिस इज द माइटी पेंगोंग लेक। क्या व्यू है गाइस, देखो पूरा का पूरा पानी ब्लू और सामने वो बर्फीले पहाड़। तो यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया फोटोशूट और रील्स निकालने में, तो वो सब आपको दिखेगा मेरे इंस्टा आईडी पे, तो जाके फॉलो कर लो SS Films गुजरात। बट व्यू तो देखो, मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस। अब बताने जैसा कुछ है ही नहीं, ये व्यू देख के जो भी देखेगा वो ऑटोमेटिकली स्पीचलेस हो जाएगा। दिल विच ठंड पे गई यार, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो इसका जो किनारा है ना लेक का, उसके पास जाके यहाँ पे टेंट लगा के रुक जाए। ओके, ललित भाई कह रहे हैं कि अभी नीचे जाना है, लेकिन ऊपर से जैसा व्यू आ रहा था वैसा नीचे जाके नहीं आएगा। फिर भी हम तो एंजॉय करने निकले हैं, तो एंजॉय तो करेंगे ही, और साथ ही साथ आपको भी एंजॉय कराएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए SS Films गुजरात, ताकि आपको भी ये हंसी नज़ारे देखने को मिले और दिल विच ठंड पै जाए। अरे यार, ये तो व्यू प्रो मैक्स हो गया, अब तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो कहीं पे रास्ता ढूंढो नीचे उतरने का, तो चलो नीचे उतरते हैं। तो काफी सारी ऑफ रोडिंग को झेल के हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर पेंगोंग लेक पे। हम लोग ने जो फोटो खींची थी वो वहां दिख रहा है दूर दूर। व्हाट अ लवली व्यू, ऐसा लाइक मैंने फर्स्ट टाइम देखा जिसमें कि वेव्स आ रहे हो। वाव, सुपर व्यू, यानी कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो व्यू प्रो मैक्स है। वहां पर सामने पड़े अपने बाइक्स, वो स्नो से ढके हुए पहाड़। तो ललित भाई ले रहे हैं लेक का टाइम लैप्स, तब तक मैं यहां पर बादलों का ले लेता हूं। तो यहाँ पर अच्छी खासी रेत है, तो उसमें पार्थ का बाइक फंस चुका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ से निकलना। चलो निकल गई, फिर से फंस गई। ये तो एडवेंचर प्रो मैक्स वाली फील आ गई, मतलब पूरी रेत है इसमें, गाड़ी धसती ही जा रही है। चलो हम दोनों जाते हैं, मैं और जय भैया। एने आ बे रस्ता ना ऊंधा रस्ते लीधी, बीजू कहीं नहीं। उतर। चलो अभी जय भैया ट्राई करते हैं। अरे मेरा कार्गो भी निकल गया, वो तो फुल्ली लोडेड है। सांस फूल रही है। रुको मैं ट्राई करता हूँ धक्का लगा।
फाइनली निकल आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली पार्थ बाहर निकल गया। उसने मतलब गलत वाला रास्ता चुना था, इसलिए फंस गया। और अब रेत का ख़त्म हुआ तो पथरीला रास्ता आ चुका है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली ऑफ रोडिंग। फाइनली ऑफ रोड वाला पैच ख़त्म हुआ। चलो फाइनली अब अच्छे वाले रोड से कनेक्ट तो हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ जम गए ऐसा मुझे फील हो रहा है, इतना हार्ड था कि यार कुछ अलग ही लेवल का था। मतलब हमारे बाइकों की तो हमने पूरी की पूरी जो इसकी कैपेसिटी है वो निकाल ली। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चुसूल। ये सामने दिख रहा है वो। तो अभी हम लोग है चुसूल में और अब यहाँ से जा रहे हैं आनले की ओर। लेकिन यहाँ से आनले जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक है रेजांगला वाला, जो कि है एक्सट्रीम वाला ऑफ रोडिंग जैसा कि हमने कल किया था, और दूसरा रास्ता है हाई पास वाला, वो भी काफ़ी टफ है ऐसा यहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं। तो चलिए आगे एक चेक पोस्ट है वहाँ पर पूछ लेते हैं, और जैसा उसका सजेशन रहा वैसे रास्ता सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर चेक पोस्ट पर ललित भाई करवाने गए एंट्री सारे बाइकों की, और यहीं से पता चलेगा कि हम हाई पास वाला रास्ता लेंगे या फिर लेंगे एक्सट्रीम ऑफ रोड वाला। सो गाइज, हमने सिलेक्ट किया है हाई पास वाला रास्ता, और ये जो पास है वो वर्ल्ड के टॉप 10 हाई पासिस में से एक है। और रास्ता अभी थोड़ा बहुत अच्छा है, और थोड़े बहुत रास्ते में काफ़ी सारे ग्रेवल्स है, मतलब काफ़ी संभाल कर रखने पड़ते हैं कदम, नहीं तो अपन सीधा नीचे। आप देख सकते हो यहाँ से नीचे कितना गहरा है। तो चलिए अब बाकी बातें करते हैं थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि ये रास्ते में ज़्यादा बातचीत करना रिस्की हो सकता है और अपने को रिक्स लेने का ही नहीं है रिक्स। तो ये हाई पास भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब कि काफ़ी सारे स्टिफ क्लाइंब है। और ये तो देखो, मतलब कि ये भी ऑफ रोडिंग से कुछ कम नहीं है, इतनी स्टिफ क्लाइंब है यहाँ पे, और बाइक का ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप हो रहा है। तो गाइस, धीरे धीरे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कि मैंने डबल ग्लव्स लगाए फिर भी मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। अगर थोड़ी सी धूप आ जाए तो मज़ा आ जाए। अभी हमारी हालत ऐसी है, वो एक पिक्चर में था वो कुछ कैरेक्टर, वो धूप धूप चिल्लाता था, ऐसे ही हम लोग भी अभी कर रहे हैं धूप धूप। और रास्ता भी काफ़ी डेंजरस है, वैसे लवली भी है। इस रास्ते पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एक गलती और आप सीधा नीचे। और यहाँ से पेंगोंग लेक दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन शायद कैमरा में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से। तो यहाँ से व्यू देखो गाइस, ये लेक काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। लेकिन जो भी है, नाम में क्या रखा है, इसकी खूबसूरती को देखो। तो पार्थ ने नाम ढूंढ निकाला, इसका नाम है नीरपालसो लेक। वो पेंगोंग में पूरा ब्लू पानी था, इसमें पूरा ग्रीन पानी है, देखा। तो अलविदा करते हैं इस लेक को, बाय बाय। ऐसा कह सकते हैं कि ये रास्ते पे चलने से हमारा एक अचीवमेंट और बढ़ गया है। वैसे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन वो रेजांगला से चले जाते हैं। ये रास्ते तो हमारे जैसे कुछ सर फिरे होते हैं वही लेते हैं, क्योंकि ये रास्ता कॉमन लोगों के बस की बात नहीं, इसके लिए सर फिरा होना ज़रूरी है। लेकिन यार इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं,
साला मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस। कहीं पे गाड़ी रोक के अपन लोग नाचेंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नो दिखना चालू हो गई है, पिघल रही है अभी, लुकिंग लवली। वी डन इट, यो वी डिड इट, वी डिड इट, चीयर गाइस, यो वेलकम यू एट कंसांगला टॉप, ऑल्टीट्यूड 17,851 फीट, वर्ल्ड के टॉप 10 हाई पासिस में से ये है रैंक 8 पर। चलो भाई लोग, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। वी डिड इट, यस। और काफ़ी कम लोग यहाँ पर आते हैं, तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनमें से आपका भाई भी है। यहाँ से नज़ारा देखो गाइस। वो जो हम लेक देख रहे थे वो दिख रहा हूँ। आई थिंक काफ़ी कम लोगों ने ये पास देखा होगा, और हम सन की बंदे हम यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर आ चुका है और एक हेयरपिन बैंड, अगर संभाल के नहीं चलाया तो हमारी बज सकती है बैंड। क्या नज़ारे, वन मोर हेयरपिन बैंड। तो सुबह से हम निकले हैं, पहले देखा पेंगोंग लेक, उसके बाद देखा, उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये है तीसरा लेक। मतलब ओके, काफ़ी शार्प टर्न और साथ में पत्थर, तो बड़े संभाल के जाना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे आता हूँ मैं, रिस्क नहीं लेने का अपने को, क्योंकि अपने को अपनी टांगे बहुत प्यारी है और उसे तुड़वाना नहीं है। चलो, अपने भाई लोग भी अपने साथ हो गए, वो थोड़े से पीछे रह गए थे। ये आज की राइड का तीसरा लेक, और क्या हसीन लग रहा है ये। इसका कलर भी पेंगोंग की तरह ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है कुछ। थोड़ा बहुत स्नो है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। क्या बढ़िया व्यू, क्या व्यू, दिल खुश कर दिया। सच्ची बात है, ये कभी किसी यूट्यूबर ने दिखाया नहीं ये लेक। वैसे हम लोग आज जिस पास पर गए थे वो पास भी किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया है, तो हम लोग फर्स्ट होंगे जो कि ये लेक और वो वाला पास दिखाने वाले हैं। सामने स्नो की चादर बिछी है पहाड़ों पर, बहुत ही हसीन नज़ारा। अभी अच्छी खासी धूप मिली है तो कवर कर लेते हैं रास्ते को, नहीं तो फिर कल जैसी हालत होगी। ठंड बहुत कल लगी, और आज तो सुबह से क्या पता भगवान अपने साथ है, मतलब सारा का सारा अच्छा अच्छा जो बात है अच्छी अच्छी वही हो रही है अपने साथ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड लेवल पे, मतलब कि पहाड़ के ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल के ग्राउंड लेवल पे नहीं, लेकिन फिर भी अभी हम 15,000 फीट की हाइट पे है। और आगे गाड़ी मिल गई यहाँ लोकल की, तो उन्होंने हमें शॉर्टकट दिखा दिया, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। रोड रोड क्या मस्त वाली रोड आई है, ये तो मल्टी कलर पहाड़ दिख गए, मल्टी कलर पहाड़। अरे यार, ये तो फिर अलग से कुछ नया ही दिखने को मिल गया। ये पहाड़ का डिजाइन देखो सामने वाला, बहुत ही बढ़िया रास्ता, मतलब
एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा रास्ता। कल जो रास्ता हम झेल के आए हैं उस पर चलाने के बाद तो ये रास्ता हमें मतलब वेलवेट का लग रहा है, वेलवेट का रास्ता। तो भाई लोग अभी यहाँ पर लिया है कॉफ़ी के लिए छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आज लंच तो लिया नहीं, तो फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, बाकी रात को दबा के खाएंगे। तो रिफ्रेशमेंट लेके हम लोग निकल चुके हैं आनले की ओर, और आज वहाँ देखेंगे स्टार ट्रेल। मैंने भी वैसे कभी देखा नहीं है, तो आज कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। वैसे आज के दिन में हमने काफ़ी कुछ नया ही किया है। तो यहाँ पर एक और चेक पोस्ट था और ललित भाई गए थे रजिस्ट्रेशन करवाने, और ये जो ब्रिज है पूरा लोहे का, इसका फ्लोर भी लोहे का। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला पैच, 6 लीटर। तो 6 लीटर में कितना जाएगा, 6 × 30, 180 किलोमीटर। ओके, मेरा अभी 160 दिखा रहा है, और एक्स्ट्रा फ्यूल कितना पड़ा है वो तो वहाँ पर जाके ही मालूम पड़ेगा। तो जब आनले पहुँचेंगे तो गाड़ी में डाल दूँगा फ्यूल, और बाकी देखे देखते क्या है होता है वहाँ पर। पीछे तो अपने को 160 रुपीज़ पर लीटर बोल रहे थे, अब हानले में कितना बताते हैं वो देखते हैं। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है हानले और दूसरा जाता है डुंगती, ऐसा कुछ लिखा था। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट्स। तो यहाँ से आनले रह गए 38 किलोमीटर्स, और ये नज़ारे देखो, कहीं धूप है कहीं छाँव है। तो जहाँ धूप है वो वाले पहाड़ पूरे के पूरे गोल्डन दिख रहे हैं, और जहाँ छाँव है वो वाले ब्लैकिश दिख रहे हैं, मतलब कि ऑल इन वन व्यू। अभी वापस से नया कॉम्बिनेशन आ गया है इसमें, यहाँ पर ये ब्लैक वाले, ये गोल्डन वाले, और बीच में स्नो माउंटेंस। मतलब हर एक मोड पर कुछ नया देखने को मिलता है। तो हर एक मोड पे जैसे कुछ नया देखने को मिलता है, वैसे आगे मोड भी आ चुका है। तो हम अच्छे से मोड लेते हैं, नहीं तो हम मुड़ जाएंगे। और ये गोल्डन वाले पहाड़ वापस अपने सामने। तो यहाँ पर आ चुकी है स्लाइड वाली रोड, जैसे कि गार्डन में बच्चों के लिए होती है, तो ये बड़ों के लिए स्लाइड है। और नज़ारा देखो ये, अब ये सनसेट वाला, और रोड तो क्या मस्त वाली रोड है, मतलब मक्खन जैसे कि ब्रेड पे बटर स्प्रेड होता है, वैसे रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो गाइज अभी हानले रह गया है सिर्फ 8 किलोमीटर। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हानले, और हानले आते ही थोड़ा सा ऑफ रोड वाला पैच। और अभी टाइम हुआ है 7:30, और देखो अभी भी यहाँ उजाला है, मतलब पहाड़ों में अंधेरा देर से होता है। अब यहाँ पर ढूंढेंगे एक अच्छा सा होम स्टे और जाके सो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम सो पाएंगे भाई, इतना ऑफ रोड तो आज झेलना पड़ेगा। आज पूरा दिन अच्छे वाले रास्ते ही देखे है, ये तो जैसे कोई राइड हो ऐसा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। शायद यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, तो अगर अगले साल हम आते हैं तो यहाँ भी अच्छी वाली रोड मिलने वाली है गाइस। अभी रात के 12:30 से 1 बजे हो गए, हम छत पे ऐसे देखो कंबल के नीचे बैठ रहे हैं, और दोनों को हम लोग को लगा है स्टार ट्रेल कैप्चर करने के। अभी थोड़ी देर हमें की वे दिख रही है हमें, क्या नज़ारा दिख रहा है, लेकिन ठंडी और ठंड उससे भी ज्यादा है कि सारे के सारे कांप रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, गोप्रो को एक में लगाऊंगा मैं पावर बैंक, पहले देखूंगा कितना फुटेज आया है, उसके बाद उसको वहाँ पे स्टेप के पास लगा के नीचे चले जाएंगे, 1 घंटे बाद आगे ले जाएंगे दोनों गोप्रो को। लेकिन भाई जिंदगी में एक बार देखना चाहिए, एक बार तो ये करना ही चाहिए, लाइफ टाइम मेमोरी। इंडिया में कहीं से ये व्यू नहीं दिखता, यहाँ से दिखता है हानले से। और अभी ठंड से हालत बकवास हो रही है,
पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा अभी जम जाएंगे, शायद माइनस दो है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमें वो कोल्ड स्टोरेज रहता है ना बर्फ वाला, उसमें बंद कर दिया है। चलो सभी नीचे उतरते हैं, ओके चलो बंद करते हैं ज्यादा नो अपना लाइट पोल्यूशन नहीं करते। इस लाइट को बंद करो, कैसे करते हैं करो, ऊपर ही करना। ओके लाइट बंद हो गई है, अभी हम जा रहे हैं नीचे।